हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। आपको इस चैनल सीयूईटी पॉइंट, जो कि स्पेशली डिजाइंड है सीयूईटी के एडमिशन को लेकर के, अगर आप सीयूईटी का कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हो, जिसमें डीयू, बीएचयू, जेएनयू, सभी यूनिवर्सिटी जब सीयूईटी के अंतर्गत आ गई हैं, तो ये चैनल सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। अभी हम लोग बात करेंगे डीयू के पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको कौन कौन से कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट इक्वलाइज करके भरना है। याद रखो, अगर आप कॉलेज की चॉइस, जिसे प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, अच्छे से आपने नहीं भरा तो दिक्कत हो सकती है। सो आपको पहला काम ये करना है कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ज्यादा समझदारी से भरना है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो पे सारे सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। प्रेफरेंस के बारे में समझदारी इसी में है कि आपको कैंपस वाइज, नॉर्थ, साउथ और आउटर कैंपस में समझदारी से प्रेफरेंस यानी ऑर्डर भरना, ताकि आपको मनचाहा कॉलेज, जो अच्छा कॉलेज है, वो मिले। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का अगर आप देखोगे तो ये तो एलिजिबिलिटी और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये दोनों आप आराम से पढ़ना। वैसे आपने देखा होगा डीयू में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि 12th का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें ही आपका वही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, प्लस लैंग्वेज। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आप अगर ऑफर कॉलेज का जो भी है सीट देखोगे तो हम आपको लाइन से दिखा रहे हैं, 47 के अप्रोक्स कॉलेजेज हैं, जिसमें आर्यभट्टा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 46 कॉलेजेज, जाकिर हुसैन, इवनिंग, मॉर्निंग, इन सब को लेकर के अगर हम बात करें तो आपको यहां से देख लो सारे कॉलेज दिख रहे हैं। लेकिन अब इसमें ऑर्डर है कि कौन सा पहले रखना है, कौन सा बाद में, वो अभी हम बता रहे हैं आपको। समझदारी वाली बात यह है कि आप जिस भी कैटेगरी में हो, वो कैटेगरी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन एनरोल्ड जो होना है वो आप यहां से देखोगे। समझ में आ रहा है आपको? मतलब आत्माराम सनातन धर्म भाई एसटी के कितने स्टूडेंट्स ले सकते हैं, एससी के आ जाएंगे, ओबीसी के कितने हैं, अनरिजर्व कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कौन से कॉलेज में कितना है। ठीक है, आपने देख लिया, नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे पहले ही भेज दी है, सो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स डिलीट नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों? वहां के डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं होंगे तो आपको ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगर पेज हम देखें तो इसी तरीके के गार्गी कॉलेज हो गया, जीसस मैरी, कालिंदी, कमला नेहरू, किरोड़ी मल, फिर लेडी श्री राम, लक्ष्मीबाई, महाराजा अग्रसेन, मैत्रेयी, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू, आप अगर देखोगे यहाँ पीजीडीएवी, यहाँ भी है पीजीडीएवी कॉलेज, इवनिंग भी है, तो एक तो यहाँ आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगा। देखो डीएवी का कॉलेज दो है, इवनिंग और मॉर्निंग। समझदारी वही है कि डीयू में बहुत सारी सीट है, एडमिशन बहुत लोगों का होता है, लेकिन बच्चे पैनिक हो जाते हैं। दो रीजन है कि एक तो वो प्रेफरेंस उन्होंने गलत भर दी, तीसरा उनका ये हो जाता है कि प्रेफरेंस भरने के बावजूद वो अलर्ट मोड पे नहीं रहते हैं, मतलब उनको जानकारी नहीं मिलती कि भैया एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, वो आपको इत्मीनान से भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सारे कॉलेज की लिस्ट आपको तो मिल ही जाएगी। अब आप, मैं आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजों को दिखाता हूँ। ठीक है, आपको जब नॉर्थ कैंपस में दिखेगा तो आपको नॉर्थ कैंपस में जैसे हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, किरोरी मॉल कॉलेज है, मिरांडा हाउस कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है। अब आपके पॉलिटिकल साइंस में इन सब कॉलेजों में से जो भी आता है नॉर्थ कॉलेज का, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज था, ठीक है, आपने देखा होगा रामजस, किरोरी मॉल, ये सब था, तो जो भी कॉलेज नॉर्थ कैंपस के पहले आ रहे हैं इन सबको आपको टॉप पे रखना है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वहां होना चाहिए, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले कॉलेज की लिस्ट पहले दिखा दी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज होगा उसको टिक कर देंगे। अरे भैया वहां पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई तो होती है, पहले ये तो देख लो। तो नॉर्थ कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के ये सब कॉलेज आपको ध्यान में रखना है। अब इनमें से जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, जो कि मैंने पहले ही दिखाया है, किसी का ऑर्डर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ कैंपस चूंकि ज्यादा लाइमलाइट में रहता है इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है, फर्क ये नहीं पड़ता है कि हिंदू कॉलेज में कैसे आ रहे, प्रोफेसर सब सेम रहते हैं, अलग अलग कॉलेज में उनकी क्लासेस लगती ही लगती है। तो आपको ये नॉर्थ कैंपस सारा एक बार, उसके बाद अगर कम नंबर है, बाई चांस आपके मान लो बहुत हाईएस्ट नंबर नहीं है, 500 से नीचे है, 200-250 नंबर है, तो साउथ कैंपस जैसे आर्यभट्ट, गार्गी कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र
राजधानी कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये सब आपको लास्ट वाले बच्चों के लिए भरना है। मतलब नॉर्थ कैंपस ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे पहले प्रेफरेंस डालेंगे तो उन्हें ही मिलेगा, साउथ कैंपस वाले बच्चे कम नंबर वाले डालेंगे, साउथ या आउटर कैंपस वाले को मिलेगा। देखो डीयू में एम्पल अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत सारे कॉलेजेस की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ये चीज बीएचयू में इतनी लार्ज स्केल पे नहीं है। आप देखो कितने सारे बच्चों का यहाँ एडमिशन होगा। पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे तो आपको कितने सारे कॉलेजेस का ऑप्शन है, इतना सारा सीट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, जो कि सबसे एक प्रोजेक्टेड है। आप देखते हो यूपीएससी के लिए भी बेटर है पॉलिटिकल साइंस। खैर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पॉलिटिक्स की समझ बहुत डेवलप करता है, जो कि अपने देश के लिए बहुत जरूरी है। डीयू से बहुत स्टूडेंट्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो ये एक ओवरव्यू हो जाएगा आपके लिए। बाकी कौन सा सब्जेक्ट कोर्स कैसा है ये अगर आप चाहोगे तो आप पूछ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन्हीं में से नॉर्थ कैंपस का मैंने लिस्ट आपको दे दिया है, नॉर्थ कैंपस का लिस्ट भी दिखा दिया है, आपको चूज कर लेना है और उसको ऑर्डर कर लेना है अगर नंबर आपके 400-500 से ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके 200-250 नंबर है तब कौन सा चूज करना है भाई, तब वो कॉलेज चूज करने हैं जो इवनिंग क्लासेज हैं, है ना, क्योंकि साउथ कैंपस, आउटर कैंपस और इवनिंग क्लासेज, ये आपको चूज करने का ऑप्शन बच जाता है और यही आपके लिए सही भी रहेगा। सो ये सारा काम आपको करना है। देखो पॉलिटिकल साइंस में अगर इतना आप कर लेते हो ना तो आपके नंबर और रैंक के हिसाब से जब कट ऑफ निकलेगा, जब मेरिट बनेगा, तो आप क्लियर रहोगे कि भैया हमने चुना सही है अपने नंबर के हिसाब से। अब मान लो कोई बच्चा 200 नंबर का है, उसने नॉर्थ कैंपस पहले भर दिया, भरना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर कुछ बच्चों ने सीट छोड़ी तो आपको मिल जाएगा उस सब्जेक्ट में, ये भरना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेना, भैया हमारा 150 नंबर है और हमको चाहिए नॉर्थ कैंपस, तो नॉर्थ कैंपस से ज्यादा उसको फोकस करने की जरूरत है साउथ कैंपस पे। समझ में आ गया कितने में कितना नंबर स्टूडेंट्स का है ये आपको ध्यान रखना है। सीट मैट्रिक्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई कॉलेज, कॉलेजों ने जो सीट मैट्रिक्स दिया है वो उन्होंने लिखा है, जरा इसको नीचे किया जाए। उसके बाद इसमें एक डिस्क्लेमर है, द नंबर ऑफ सीट्स मे वैरी, एक और चीज है ये वैरी कर सकता है, घटता नहीं है बढ़ता है। सुपर न्यूमरी सीट्स विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी डेली नॉर्म्स, कैंडिडेट्स मस्ट विजिट द रेस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट। ये भी एक चीज कहा गया है कि कैंडिडेट को, जैसे श्यामलाल कॉलेज है, इवनिंग इसका कॉलेज है, तो इन कॉलेजों पे आपको वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए ताकि इसका जो नंबर है या कोर्स डिटेल है वो आप वहां देख पाओ। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का पूरा डिटेल प्रेफरेंस लिस्ट, इसका जो और एनालिटिकल वर्जन है वो हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।